दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को Amazon Prime Video पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक
सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, Twitter, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को Amazon Prime Video पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई
ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौकों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी,
उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौकों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDB पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज
एक बड़ी ब्लॉकबास्टर वेब सीरीज हो चुकी है। और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाली राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज
फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को Amazon Prime Video पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई Amazon Prime Video पर मच अवेटेड वेब सीरीज
फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDB पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को Amazon Prime Video पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और DK एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस
अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज़ थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम पीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को Amazon Prime Video पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है।
हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है, नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौकों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को Amazon Prime Video पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए
नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौकों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं।
अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज़ को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज़ अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज़ को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाली राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने।
दोस्तों यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाली राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDB पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और DK एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर
दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौकों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है।
सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता
वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौकों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं।
अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने।
दोस्तों यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDB पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और DK एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर
दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज़ थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है।
सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDB पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए
नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है, नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं।
अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है, नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने।
दोस्तों यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है, नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है, नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और DK एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है।
इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है।
हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है, नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए
नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है, नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं।
अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है
और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDB पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड DK ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को Amazon Prime Video पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और DK एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ KK मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई Amazon Prime Video पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में।
तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में, तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एन डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की, तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबास्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो, तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में है। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं।
वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और DK की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है।
नकली नोट का गोरख धंधा है एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी YouTube, ट्विटर, Instagram पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट
कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है, नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर मच अवेटेड वेब सीरीज फर्जी को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के बारे में। तो यह वेब सीरीज कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और दोस्तों इस वेब सीरीज का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की थ्रिलर डार्क कॉमेडी वेब सीरीज फर्जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। दोस्तों, यह वेब सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और दोस्तों 8 के 8 एपिसोड काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। बात करें इस वेब सीरीज के मुख्य किरदारों की तो शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, रेजिना कसेंद्रा, मनोज बाजपेयी, काव्या थापड़ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस वेब सीरीज को आईएमडीबी पर 10 में से 8.6 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, 97% गूगल यूजर्स की तरफ से इस वेब सीरीज को पसंद किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। यह वेब सीरीज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज हो चुकी है और दोस्तों इस वेब सीरीज के काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे स्टेटस भी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको फर्जी वेब सीरीज अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो
तो दोस्तों आप फर्जी वेब सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। यह वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से जघन्य अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फैमिली मैन से ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इसी कलाकारी की कहानी है। एक आर्टिस्ट है सनी, उसके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह इस बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार है इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी से वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं। सनी को उसके दिल उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने ही उसे अपनाया है। सनी के दिल और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराजगी है, इसी के साथ बड़ा हुआ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज, भुवन अरोड़ा और उसके नाना अमोल पालेकर के अलावा कोई ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सदियों पुराने प्रिंटिंग क्रांति के ठप हो रहे बिजनेस में मदद करता है। हताशा के साथ शुरू हुए प्रयास में उसे एक जल्द ही एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी अब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है। नकली नोट का गोरख धंधा है, एक ऐसा अपराध है जिसे शायद ही कभी इस तरह फोकस कर पर्दे पर दिखाया गया हो। शो के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। नकली नोट बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर वह कितना मुश्किल है, छपाई के बाद इसे बांटने और देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तक सीरीज में बड़े ही रोमांचक तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस अपराध को ग्लोरीफाई यानी इसका महिमा मंडन नहीं किया है, अपराध को अपराध की तरह दिखाया है। इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ के मेनन जैसे दिग्गज एक्टर भी है। मेकर्स शो को वास्तविक दुनिया के करीब तो रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार्स पर्दे पर हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सिनेमाई हो जाता है। ऐसे में कई मौक़ों पर यह सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए सिर्फ कुछ अच्छे लोग और एक महिला ही सारी जुगत करते हुए दिखाई देते हैं।